नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल राजधानी पटना में कई तरह के पंडाल आपको देखने को मिले होंगे। कई विभिन्न मंदिरों के पंडाल के स्वरूप दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इतवारपुर में। सिपारा इलाके के ठीक पास है और जहां पर तमिलनाडु का प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल जो है वो इस पंडाल के स्वरूप में दिखाया गया है। माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए, पिछले दो सालों से हर्षोल्लास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोरोना काल को लेकर कई सारी गाइडलाइंस थी और उसे फॉलो भी करना था। लेकिन इस बार जब खुलकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, सभी हो वर्ग के जो लोग हैं वो सड़कों पर आकर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे में माँ भगवती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है पटना के विभिन्न जगहों पर। लेकिन पटना का गोलघर काफ़ी, कह सके तो अगर हम संस्कृति को अपने देखें या काफ़ी जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को देखें, तो उसमें से पटना का जो गोलघर है वो उनमें से एक है। लेकिन गोलघर से भी ऊँचा इस पंडाल की ऊँचाई जो है, गोलघर से काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। देखिए तस्वीर, ये पटना में जो तमिलनाडु का सुप्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो बन करके तैयार है, और इसकी ऊंचाई जो है वो गोलघर से अधिक है। कितनी ऊंचाई है, कितनी लागत लगी, कारीगर कहां कहां से आए, हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहले तमाम तस्वीरें आपको दिखा दें, कैसे इस पंडाल में तरह तरह की जो नक्काशी की गई है, थर्माकोल का भी इस्तेमाल किया गया है, कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, और अंदर माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। हम यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मुनील यादव। मुनील जी, कितने सालों से यहाँ पूजा हो रहा है? ये यहाँ पे पूजा 1997 से लगातार होते आ रहा है। 97 से? हाँ जी, 1997। इस बार ये जो मीनाक्षी टेंपल का स्वरूप दिया गया, क्या सोच के आप लोगों ने ये किया? यहाँ पे जो भी मंदिर हमारे पटना में बिहार में बनते हैं उतने भव्यता के साथ नहीं बनते। मंदिर तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन उतना भव्य मंदिर नहीं बनता। और जो साउथ का मंदिर है, जो हमारे कल्चर को दिखाता है, बहुत सारे माताओं का मूर्ति बनाया रहता है मंदिर पर, उसको देख के मैंने सोचा कि यहाँ पे एक भव्य भारत की अलग संस्कृति और सभ्यता को, संस्कृति और सभ्यता को दिखाता है, उसी को सोच के हमने यहाँ पे एक बनाने का कोशिश किया कि मीनाक्षी मंदिर का रूप दिया जाए। नहीं, हमने सुना कि इसकी ऊंचाई जो है वो गोलघर से भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, इसकी ऊंचाई गोलघर से ज़्यादा है। गोलघर की ऊंचाई लगभग 29 मीटर के लगभग है, इसकी 30 मीटर दी गई है, मतलब उससे 1 मीटर ज़्यादा ही। हाँ, 1 मीटर लगभग ज़्यादा ही है। तो देखिए, गोलघर से भी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जो कारीगर बुलाए गए इसके लिए, कहाँ से बुलाए गए? यहाँ बंगाल से बहुत सारे कारीगर, 20 कारीगर बंगाल से, कुछ मधुपुर जो झारखंड में पड़ता है वहाँ से 20 कारीगर आए हैं, और मूर्ति के लिए कुछ पटना का ही कारीगर है और बाहर से भी बुलाए गए। तो देखिए, तमाम जो जानकारी है हम आपको सुनवा भी रहे हैं, और इसके बाद पहले माँ भगवती के दर्शन आपको करा दें। अंदर चलते हैं पंडाल के, जहाँ पर हम आपको अंदर की तस्वीर जो है वो दिखाएं, कैसे जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और कितना भव्य जो है ये पंडाल बनकर तैयार है। अंदर से भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है, फूलों से सजा दिया गया है, और माँ भगवती की प्रतिमा आप देख सकते होंगे, महिषासुर का वध करते हुए ये स्वरूप जो है वो दिखाया गया है। इसके अलावा साथ में जो ये साज सज्जा की बात हो रही है, ये भी काफ़ी अलग दिख रही है यहाँ पर, ये कहाँ से मंगवाया गया? ये जो है ये बंगाल से कारीगर आके यहीं बना है। इसमें बीज का उपयोग किया गया है, जो किसानों के इस बार सुखार पड़ा था, इसलिए हमने सोचा कि माता के साज सज्जा में बीज का उपयोग किया जाए, जिससे कि किसानों का उद्धार कर सके, माता उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए, किसानों के लिए भी सोचा गया है इस पंडाल में, और काफ़ी सुंदर से सजाया गया है। ये बीच सड़क पर ही है, जब आप इतवारपुर की ओर बढ़ते हैं तो ये पंडाल भव्यता से बनाया गया, और इसके कुछ और अच्छे जो शॉट्स निकल के आए हैं, जो अच्छे तस्वीरें निकल के आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। अच्छा, तमाम ये बातें हो गई, अब बात होती है लागत की, कितनी लागत इसमें लगी? देखिए, हमारे दुर्गा पूजा इतवारपुर का बजट है 25 लाख का, इस बार टोटल 25 लाख के लगभग में खर्च आया है इस बार, मतलब प्रतिमा की बनावटी से लेकर सब कुछ का। हाँ जी जी, सब। और कितने दिन लगे? ये लगभग 1.5 महीनों से लगातार यहाँ काम चल रहा है, मतलब रक्षाबंधन के बाद से ही काम शुरू? बस रक्षाबंधन के बाद से ही दिन रात मिला के काम चल रहा है यहाँ पर। और क्या मतलब प्रशासन की ओर से मिली हुई है? हाँ हाँ, प्रशासन की ओर से भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। बहुत सारे अपने अलग से वॉलंटियर्स भी रखे हैं सब? जी, मेरे पास 50 वॉलंटियर्स एनी टाइम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं, पुरुष भी हैं, तो हर वर्ग के लिए, क्योंकि रात में भीड़ रहती होगी, तो अलग व्यवस्था की गई है? जी जी, महिलाओं के लिए स्पेशल रास्ता दिया गया है जिनको दर्शन करने के लिए, और पुरुषों के लिए अलग मार्केटिंग करके रास्ता, जिनको कुछ पूजा करना है, चढ़ावा चढ़ाना है, चुनी चढ़ाना है, उनके लिए भी व्यवस्था है? जी, उनके लिए स्पेशल रास्ता दिया गया, अपने अंदर जाकर माता का दर्शन कर सकते हैं, अपना जो करना कर सकते हैं, चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के इस इतवारपुर इलाके से, जहाँ पर गोलघर, मैंने शुरू में ही कहा कि एक धरोहर है हमारे संस्कृति की, हमारे इतिहास की धरोहर है गोलघर, और उससे भी ऊंचा ये जो पंडाल है वो बनकर तैयार है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है उसे इस पंडाल के स्वरूप में दिखाया गया, और कितनी भव्यता से इस पंडाल का निर्माण किया गया, कितने समय
इसमें खर्च किए गए, कितने रुपए इसमें खर्च किए गए और कारीगर कहाँ कहाँ से बुलाए गए, तमाम बातों की जानकारी यहाँ के जो संयोजक हैं, जो इस पूजा समिति के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी दी है। और भव्यता के साथ इस बार माँ भगवती की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, जिसमें बीज का इस्तेमाल किया गया है, किसानों के दुख दर्द को समझा जाए, उन पर भी माँ की कृपा बने। हालांकि माँ भगवती की कृपा सब पर बने, इस बार कोरोना काल के बाद से जब से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, इस बार तो कह सके अच्छी खासी संख्या में भीड़ जो है वो दिख रही है सड़कों पर। और उम्मीद है ये हर्षोल्लास हमारे समाज में बना रहे, बुराई का नाश हो, ये सभी चाहते हैं। लाइव सीरीज की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ये हम आपको पटना के सबसे ऊंचे पंडाल की तस्वीर दिखा रहे थे, तमाम एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए हैं, ऊंचाई से पंडाल देखने में कैसा लग रहा है, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाए हैं। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।